हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्बा एजेंसी सब्सक्राइब करें। में कैसे पहुंचे उलमा ने बहुत सारे जराए बयान फरमाए हैं, बहुत सारे जराए, लेकिन डॉक्टर इकबाल जिन्हें अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा भी कहा जाता है, हकीम उल उम्मत भी कहा जाता है, उन्होंने अपने मक्तूबात में तीन ऐसे फार्मूलों का जिक्र किया है। अगर जो शख्स इन तीन चीजों पर अमल कर लेगा उनके सीनों में सरकार की मोहब्बत बेवस्त हो जाएगी। तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग जानना चाहते हैं वो कौन सी चीजें हैं? जानना चाहते हैं हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और जानने के बाद अगर आपने इस पर अमल कर लिया, आज बड़ी शिकायत होती है आजकल कि मौलाना साहब कुछ तावीज दे दीजिए, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। पहले तो सुनते थे लेकिन जब से शादी हो गई जब से और नहीं सुनते। ये हकीकत है, हकीकत है। तो अल्लामा डॉक्टर ने फरमाया जिन लोगों के बच्चे नाफरमान हो वो भी अगर इस फार्मूले पर अमल करेंगे तो पूरी जिंदगी उनके बच्चे उनके फरमाबरदार हो जाएंगे। अब गौर से आपको सुनना है वो फार्मूला क्या है, मुलाहिजा फरमाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया अगर अपने बच्चों के सीनों में सरकार की मोहब्बत पेवस्त करना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले ये चाहिए कि अपने बच्चों को तरगीब दो कि वो हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, कसरत से दुरूद पाक पढ़े। फरमाया जब बच्चा तुम्हारा कसरत से सरकार पर दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा तुम्हारे बच्चे के सीने में सरकार की मोहब्बत पेवस्त होती हुई नजर आएगी। और फरमाया कि सरकार पर दुरूद पाक पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कल मैदान महशर में हुजूर के सबसे करीब होता हुआ नजर आएगा। और जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाहु कबीरा, अगर इजाजत में एक खूबसूरत रिवायत बयान कर दूं, पांचवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम ग़ज़ाली ने रहमतुल रिज़वान अपनी किताब मुकाशिफतुल क़ुलूब सफा नंबर 42 में नक़ल फरमाते हैं, जब कोई आशिक़े रसूल सरकार की मोहब्बत में डूबकर दुरूद पाक का फिर्द करता है अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को हुक्म देता है, वो फरिश्ता दरगाह नूर में डुबकी लगाता है। वो कैसा फरिश्ता? कोई आम फरिश्ता नहीं है, वो ऐसा फरिश्ता है अगर अपने परों को खोले तो पूरा मग़रिब उसके परों के अंदर हो जाए, अगर वो दूसरे पर को खोले तो पूरा मशरिक़ उसके परों के अंदर हो जाए। ऐसा फरिश्ता दरगाह नूर में डुबकी लगाता है, डुबकी लगाने के बाद जब वो फरिश्ता निकलता है अपने पासुओं को फड़फड़ाता है, पासुओं को हिलाता है, उन पासुओं से जितने भी कतरात निकलते हैं जितनी भी बूंदें निकलती हैं उन हरी बूंदों से अल्लाह एक एक फरिश्ते को पैदा करता है, एक एक फरिश्ते को पैदा करता है। वो फरिश्ते उस इंसान के लिए ता कयामत तक दुआए मगफरत करते हुए नजर आते हैं। मालूम ये हुआ कि हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, न जाने कितने अरबों खरबों फरिश्ते जब इंसान एक बार सरकार की मोहब्बत में डूब कर दुरूद पाक पढ़ता है उस इंसान के लिए करोड़ों फरिश्ते, अनगिनत फरिश्ते दुआए मगफरत करते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम बकार में आपको बताता चलूं, आज हमारी कौम 73 फिरकों में बटकर रह गई है, आज हम बहुत परेशान हाल है, आम इंसान परेशान हो जाता है, जाए तो किधर जाए। हर फिरके के जो रहनुमा है सबकी जबान पर कुरान और हदीस है, सबकी जबान पर कुरान और हदीस है। आम इंसान ये तमीज नहीं कर सकता कि जाए तो किधर जाए, अगर वो तहकीक करने के लिए बैठेगा तो उम्र जिंदगी कैसे अंजाम देगा। हजरात मोहतरम मकार, इंसान परेशान है, सब खींच रहे हमारी तरफ आओ हम हक पर हैं, हमारी तरफ आओ हम हक पर हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है जाए तो किधर जाए। यही सवाल बहुत साल पहले शहजादे इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुद्दीन से पूछा गया था, हुजूर बताए जब इतने तुर्क इतने फिर्क हो जाएंगे, जब इतने फिरका पैदा हो जाएंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सीधे रास्ते पर कौन है, सही सुन्नी कौन है, ओरिजिनल सुन्नी कौन है। तो शहजादे इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुद्दीन ने फरमाया था कि जो लोग अहलुस सुन्ना होंगे वही सीधे रास्ते पर होंगे, जो लोग अहलुस सुन्ना होंगे वही सीधे रास्ते पर होंगे। साइल बड़ा सयाना था जिसने सवाल किया, बहुत दूरंदेश था, उसने कहा हुजूर ये बताएं अगर बहुत सारे फिरके यही तमगा यही हेडिंग यही तमगा अपने माथे पर लगाए कहे हम भी अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम भी अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम भी अहले सुन्नत वल जमात हैं, बहुत सारे फिरके जब ये कहें तब हम कैसे पता लगाएंगे कि सही सुन्नी कौन है, पेवर सुन्नी कौन है। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया एक ही फिरका जन्नती है बाकी 72 जहन्नमी है। तो कौन सा एक फिरका जन्नती है, कौन सीधे रास्ते पर है? तो शहजादे इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुद्दीन ने फरमाया था मिन अलामाती अहले सुन्ना अला कसरत सलात नबी
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام سلاطین نے فرمایا جو قوم حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھے گی وہی سیدھے راستے پر کہلاتی ہوئی نظر آئے گی. آج کل کے مولویوں نے ہم پر مہر نہیں لگائی, آج کل کے علماء نے نہیں مہر لگائی, شہزاد امام حسین نے ہماری حقانیت پر مہر لگا دی کہ ہم درود پڑھنے والے ہیں, ہم سلام پڑھنے والے ہیں, ہمیں فخر ہے اس لیے کہ امام زین العابدین نے ہماری حقانیت پر مہر لگایا ہے. تو درود پاک اپنے بچوں کو کثرت سے پڑھاؤ تاکہ ان کے بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت پیوست ہو جائے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ڈاکٹر اقبال کو اہل نقد غالب سے چھوٹا شاعر مانتے ہیں, علماء بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں سب جانتے ہیں, لیکن ڈاکٹر اقبال کے اشعار اور ان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ غالب کے حصے میں نہیں آئی. غالب بڑا شاعر تھا لیکن ڈاکٹر اقبال کو جو عزت و مقبولیت ملی وہ کسی کو نہیں ملی. ان سے یہ راز پوچھا گیا کہ راز کیا ہے, کیا فلسفہ ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی کلام لکھتا ہوں تو حضور پر 125 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرتا ہوں. نام محمد کا صدقہ ہے جو میرے کلاموں میں مقبولیت حاصل ہے, یہ سرکار دو عالم پر درود پاک پڑھنے کا وسیلہ ہے جو میرے کلاموں کو مقبولیت حاصل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حقیقت ہے بہت سارے شاعر آئے اور بہت سارے لوگوں نے اچھے اچھے شعر کہے, لیکن آج بھی علامہ اقبال کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور آج بھی پڑھے جاتے ہیں. حضرات محترم, معلوم یہ ہوا پہلا نسخہ جو میں نے بتایا کہ اپنے بچوں کو کثرت سے حضور پر درود پاک پڑھنا سکھاؤ, پہلا. بہت غور سے یاد, میں پوچھوں گا آپ سے پہلی بات, اور دوسری بات کی طرف چلتے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ بات کو اپنی مکمل کرنا ہے. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو کثرت سے حضور پر درود پاک پڑھنا سکھاؤ, دوسری بات کیا ہے ملاحظہ فرمائے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ انسان فطری طور پر حسن کا دیوانہ ہوتا ہے, انسان کی فطرت میں ہے جہاں حسن دیکھے گا وہاں لبک جائے گا, یہ انسان کی فطرت میں ہے. وہ چاہے قابل دراز میں ہو, چاہے وہ لب و رخسار میں ہو, وہ چاہے چھوٹے سے بچے کی مسکراہٹ میں ہو, چاہے وہ بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو, چاہے وہ کوئل کی کوک میں ہو, چاہے وہ بلبل کی دل فریب صدا میں ہو, چاہے وہ پھولوں کی مہک میں ہو, چاہے وہ کلیوں کی چٹک میں ہو, انسان خوبصورتی جہاں دیکھے گا وہاں لڑک جائے گا, یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. ڈاکٹر نے فرمایا کہ جب انسان کی مجبوری یہی ہے تو آؤ اس کو ایسی بارگاہ میں لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے, جہاں عشق بھی ان کا دیوانہ ہے. صدا کے سر جھکائیں تیرے در پہ حسن والے, صدا کے سر جھکائیں تیرے در پہ حسن والے, جو ہو گئے ہیں تیرے ہیں بڑے نصیب والے, جو ہو گئے ہیں تیرے ہیں بڑے نصیب والے, جو دیکھے تیرا جلوہ پھر کیسے دل سنبھالے, جو دیکھے تیرا جلوہ پھر کیسے دل سنبھالے. قلم رضا اس کے مصطفیٰ میں تڑپتا ہے تو پکار کر کہتا ہے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. مصطفیٰ کا حسن ایسا حسن ہے کہ جبریل فرما رہے سرکار آپ جیسا خوبصورت انسان نہیں ہے. تو فرمایا کہ آؤ انسان اگر خوبصورتی کا دیوانہ ہے تو آؤ اسے وہاں لے چلے جہاں حسن ہی پانی بھرا کرتا ہے. حضرات محترم, میں آپ کو بتاتا چلوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اپنے بچوں سے بیان ہو, توجہ. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ سرکار کا حسن, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ اپنے بچوں سے بیان کرو. سرکار کا حلیہ اپنے بچوں سے بیان کرو گے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت پیوست ہو جائے گی. اس تعلق سے میں چھوٹی سی حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ایک جلیل القدر صحابی اور آخری صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں سے حج کا موقع ہے, بلند مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آؤ میرے قریب آؤ مجھ سے سرکار کی باتیں سنو, اس لیے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے اس نے اس وقت سرکار کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو, میرے علاوہ کوئی ایسی نگاہیں نہیں ہے. فخریہ انداز میں کہتے ہیں اور کیوں نہ کہیں, آج ہم میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے, کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضور مجاہد ملت کو دیکھا ہے, بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضور حافظ ملت کو دیکھا ہے, بہت سارے بزرگان دین کو دیکھا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں کی صحبت اختیار کی ہے,
कहे फखरिया अंदाज में कहते हैं, तो हजरत अबू तुफैल क्यों ना फखरिया अंदाज में कहे जिन्होंने अपनी निगाहों से सरकार के जमाले जहां आरा को देखा हो। कहते हैं मैंने सरकार को अपने इन आंखों से देखा है, आओ सरकार की मुझसे बातें सुनते हुए नजर आओ। आजाद हजरत मोहतरम, अब हजरत अबू तुफैल के करीब लोग आते हैं, लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने कहा कि हुजूर आप सरकार का हुलिया बयान फरमाए, सरकार का हुलिया बयान फरमाए, सरकार कैसे थे। तो हजरत अबू तुफैल तीन लफ्जों में बयान फरमाते हैं, फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकसदा। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबयदा सफेद रंग के थे। बोलो सुभान अल्लाह, सरकार की तारीफ हो रही, बोलो सुभान अल्लाह। अबयदा सफेद रंग के थे, चूने की तरह सफेद नहीं, उस सफेदी में सुर्खी की आमेजिश थी। बोलो सुभान अल्लाह, सरकार का रंग बहुत ही खूबसूरत गोरा सफेदी थी। और आगे फरमाया मलीहन, आपका हुस्न नमकीन था। बोलो सुभान अल्लाह, हुस्न फीके हैं जब तक ना मस्कूर हो, हुस्न फीके हैं जब तक ना मस्कूर हो, है नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आखिरी में फरमाते हैं मुकस्सदा, फरमाया सरकार का जो कद था वो म्याना कद से उठता हुआ कद था। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी, अगर 10,000 के मजमू में आप खड़े हो जाते थे तो आपका सर आपके कंधे सारे मजमू से ऊपर नजर आया करता था। सरकार द्वारा का हुस्न अपने बच्चों से बयान करो। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि सरकार का हुस्न अगर अपने बच्चों से बयान करोगे तो उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारे बच्चों के सीनों में सरकार की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हजरत मोहतरम मकार, और सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तो बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, हजरत हसन बिन साबित ने किया है, हजरत शेख सादी ने किया है, बहुत सारे लोगों ने सरकार की तारीफ और तौसीफ की है। जब सारे लोग तारीफ करके थक गए तो बरेली का इमाम पुकार कर कहता है सरवर कहूं के मालिक ओ मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने हक में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आता कहूं तुझे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बयान फरमाते हैं मुस्तफा की कोई तारीफ नहीं कर सकता, मुस्तफा की कोई तारीफ नहीं कर सकता। फरमाते हैं कि उसकी आखिरी हद इज्ज़ है, और आखिरी में मजबूर होकर वो शख्स कहेगा ला यमकुनु सनाउ कमा काना हक्कहु बादत खुदा बुजुर्गों। तो ये किस्सा मुख्तसर हजरत मोहतरम, फरमाया गया कि सरकार का हुस्न, सरकार की तारीफ अपने बच्चों से करो। हजरत मोहतरम भाई, ये दूसरी बातें हो गई, दो बातें हो गई। पहली बात क्या थी? पहली बात हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ो कसरत से, पहली बात कसरत से दुरूद पाक, दूसरी बात हुजूर का हुलिया, हुजूर की खूबसूरती अपने बच्चों से बयान करो, तीसरी बात मुलाहिजा फरमाएं, तीसरी बात डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं जैसे मुस्तफा की सूरत लाजवाब है वैसे मुस्तफा की सीरत भी लाजवाब है। अपने बच्चों को सरकार की सीरत का जिक्र करो, अपने बच्चों से सरकार की सीरत को बताओ, इसलिए कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी अगर सरकार की जिंदगी सरकार आलम की सीरत पर अमल पैरा हो जाएगी तो कसम खुदा की कहीं की पूरी जिंदगी में उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना होगा। फरमाया मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी हो, चाहे घरेलू जिंदगी हो, चाहे वो मैदान कारजार की जिंदगी हो, चाहे वो मैदान मैदान दुनिया मैदान घरेलू जिंदगी, मैदान कारजार, मैदान तजारत की जिंदगी हो, वो किसी भी मामले की जिंदगी हो, सरकार की सीरत को अपना करके देखो। घरेलू जिंदगी के ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आप घर में दाखिल हुई और आप घोरे से एक प्याले में पानी लेकर पीना ही चाहती है, सरकार दो आलम की आमद आमद हो जाती है, मुस्तफा ने कहा आयशा ठहर जा, मुझ मेरे लिए भी पानी बचाना, मेरे लिए भी थोड़ा पानी बचाना। हजरत आयशा पानी पी लेती और वो प्याला बचाती, सरकार ने कहा मेरी तरफ लाओ, मुस्तफा ने प्याले को लिया और हजरत आयशा से पूछा आपने होंठ कहां से लगाए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्तफा ने फरमाया ये अमल अगर इंसान अपने घर के अंदर मियां बीवी के दरमियान पैदा हो जाए किसी घर में लड़ाई नहीं होगी, किसी घर में झगड़ा नहीं होगा। मुस्तफा फरमाते हैं उस घर को कोई जन्नत का टुकड़ा बनने से नहीं रोक सकता। हजरत मोहतरम मकार, सरकार की सीरत को अपना कर तो देखो, और सरकार द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके मामलात तो बहुत ही बुलंद हैं। मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, एक वक्त में गैर मुस्लिम ने इस्लाम को कबूल किया और उससे पूछा गया कि बात क्या है, क्या वजह है,
तो तुम इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर हो गए। उसने कहा सीरत का सिर्फ एक वाकया जो मैं मजबूर हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम को ले आऊं, ईमान ले आऊं। फरमाया वो बात क्या है, सरकार दो आलम सल्लम की महफिल लगी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, एक शख्स हाजिर आता है, कहता हुजूर मेरा बेटा कई दिनों से गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बेकरार हूँ, मेरी निगाहें अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रही है, सरकार दुआ फरमा दीजिए मेरा बच्चा मिल जाए। उसी महफिल में एक साहब तशरीफ रखते थे, उन्होंने कहा कि मैं इनके बच्चे को जानता हूँ, फला बगीचे में कई बच्चों के साथ खेल रहा, कई बच्चों के साथ खेल, जैसे इसने सुना फौरन दौड़ लगा दिया। मुस्तफा ने बोला इसको बुलाया, इधर उसको बुलाया जाए। जब करीब आया बोले बड़ी जल्दी है सरकार, आप तो जानते हैं कई दिनों से बिछड़ा हुआ हूँ, आप तो जानते हैं शक्ते पे दरी का अंदाज क्या होता है, मैं उसको अपने सीने से लगाना चाहता, मेरी निगाह है उसे देखने के लिए तरस रही है, बात क्या है, आप मुझे वापस क्यों बुलाया। मुस्तफा ने कहा मैंने तुझे रोकने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू जब जाना उस गिरोह में तो अपने बच्चे को बेटा कह के मत बुलाना, बेटा कह के मत बुलाना सरकार, क्यों, मेरा लखते जिगर है, मेरा नूरे नजर है, मैं क्यों ना बेटा कहूंगा। मुस्तफा ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं उस गिरोह में कोई यतीम बच्चा ना खेल रहा, तुम्हारी आवाज में शफ़क़ते पेदरी का अंदाज भी होगा, बला का रस भी होगा, अगर किसी यतीम बच्चे के सीने में छुरियां चल गई, काश मेरा भी बाप होता, अच्छे अंदाज से मुझे बुलाता, मुझे भी सीने से लगाता। फरमाया कि उस यतीम बच्चे के सीने में तकलीफ हो जाएगी। उस शख्स ने कहा कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत एक आम इंसान की छोटी सी बात का इतना ख्याल रखते हैं तो मुस्तफ़ा की हकीकत का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत की हकीकत आलम क्या होगा। वो शख्स कहा मैं मजबूर हो गया और मैं अपने आप को सरकार के कदमों पर निछावर कर दिया। हजरत मोहतरम सरकार की सीरत ऐसी सीरत है, सरकार की जिंदगी ऐसी जिंदगी है, आज अगर हम अपनाएंगे कसम खुदा की आज हम लोग कभी भी किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं होंगे। हजरत मोहतरम बकार आज सरकार दो आलम की सीरत के ताल्लुक से अगर पड़ोसी तुम्हारे घर के बगल में कोई पड़ोसी है, फरमाया गया कि अगर गोश्त बनाते हो, अगर तुम्हारे अंदर इस्तेआत नहीं है कि ज़्यादा गोश्त बना सको, फरमाया उसमें एक कटोरी पानी ज़्यादा मिला लो ताकि एक कटोरी शोरबा बगल भी भेज दो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो कुछ रात में कुछ इतनी देर में गोश्त को बनाओ कि जिसकी खुशबू उनके बच्चों तक, बच्चे सो जाएं, इतनी रात में बनाओ। फरमाया कि छोटी सी बात देखें कि बच्चों को पड़ोसी को तकलीफ ना होने पाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो, हजरत मोहतरम फरमाया मुस्तफ़ा जान रहमत ने किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार मत करो। अल्लाह अकबर कबीरा, छोटी सी बात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद के साथ हमें बताई है कि अगर हम लोग अपनी जिंदगी में सरकार की सीरत को अमल करते हुए नजर आएंगे, कसम खुदा की हमारी जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार की सीरत को अपने बच्चों को बताओ, सरकार की सीरत अपने बच्चों को बताओ। तीन बातें मैंने अर्ज किया था आपसे, पहली बात कि हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने को, दूसरी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करो, तीसरी बात सरकार की सीरत बयान करो, है ना भाई। आप इस बात को गौर कर लें, कसम खुदा की जिंदगी सवर जाएगी आपकी। ये तीन बातें हो गई। आखिरी बात मैं कुछ अपनी तरफ से करना चाहूंगा, वो बात ये है कि जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत की इन सारी चीज़ों का बयान करें लेकिन मुस्तफ़ा के फजाइल व मराकिब भी बयान करें कि मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, मुस्तफ़ा का मर्तबा क्या है। इसलिए कि कुछ लोगों ने अंधेरे में लिखा कि माज़ल्ला मुस्तफ़ा को किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है, माज़ल्ला मुस्तफ़ा को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। बच्चे आज छोटे हैं, आज बच्चे सवाल नहीं करेंगे, यही बच्चे कल जब बड़े हो जाएंगे अपने बाप से पूछेंगे इंसान की औकात इतनी हो गई ये पता लगा सकता है किस जमीन के नीचे तेल है, किस पहाड़ के अंदर सोना है। इंसान इतना आगे बढ़ गया और माज़ल्ला मुस्तफ़ा की जात पीठ पीछे का इल्म नहीं रखती। उन्हें बताना होगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात तो बहुत ही दूर है। मुस्तफ़ा अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद भी दो टुकड़े हो जाया करता है, मुस्तफ़ा अगर उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। मुस्तफ़ा के मनाकिब बयान करने होंगे, मुस्तफ़ा के पावर बयान करने होंगे। माशाल्लाह लोग ये कहते बच्चे जब बड़े होंगे तो पूछेंगे इंसान ने हवा को मुसफर कर लिया, पानी को मुसफर कर लिया, हजार किलोमीटर का सफर चंद घंटों में तय कर रहा है इंसान, ये इंसान की पहुंच है। अल्लाह मुस्तफा की पहुंच इतनी कि मुस्तफा को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, मुस्तफा के इख्तियार ये कि मुस्तफा को चीज के इख्तियार नहीं है। उन्हें बताना होगा मुस्तफा का पावर तो वो है, मुस्तफा का इख्तियार तो वो है। मुस्तफा अगर चाहे
तो हालत नमाज में तिबरा बदल लिया करते हैं। मुस्तफा का पावर वो पावर है, कबीले बनू सलमा की मस्जिद है, चार रकाती नमाज है, दो रकत नमाज हो चुकी, दिल में ख्याल आया, काश मुस्तफा ने दिल में ख्याल आया कि काश अपना तिबला होता तो कैसा होता। अभी दिल में ख्याल ही आया है कि हजरत जिब्रील अमीन की परों की आवाज सुनाई पड़ती है, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अल्लाह का हुक्म है फौरन तिबला बदल दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया परवरदिगार तेरी नमाज तो पूरी हो जाए, तेरी इबादत तो पूरी हो जाए। परवरदिगार ने फरमाया मुस्तफा पहले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी, पहले तेरी रजा पूरी होगी। ये पावर है मेरे मुस्तफा का, बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरत मोहतरम मकार ये मुस्तफा का पावर है, बताना होगा अपने बच्चों से कि मुस्तफा का पावर ये है, मुस्तफा का मकाम ये है। और मैं आपको आखिरी बातें ये बताकर जाऊं कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चार जो बातें मैंने अर्ज किया है, कसम खुदा के अगर इस पर अमल कर लेंगे आप तो सरकार की मोहब्बत सीनों में पेवस्त हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं आज हमारा मुआशरा हराम कामों से रिस्क को तलाश रहा है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बस 5 मिनट की गुफ्तगू है, हराम कामों से रिस्क को तलाश रहा है। इंसान होश में आओ, अल्लाह पर भरोसा करो। कसम खुदा की तुमको अल्लाह पर भरोसा नहीं है, अल्लाह से भरोसा उठ चुका है तुम्हारा, इसीलिए तुम लोग हराम काम से रिस्क तलाश कर रहे हो। मैं आपको बताऊं अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करो। हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा है, आप जलील कद्र वलिया हैं, आपके दरवाजे पर दस्तक होती है, कहा हम चंद मेहमान हैं आपकी बारगाह में हाजिर आए हैं। दरवाजा खोला गया, मेहमानों को अंदर बिठाया गया, खादिमा से हजरत राबिया बसरिया पूछती है घर में खाने के लिए कुछ है, तो हजरत राबिया की खादिमा कहती है सिर्फ एक रोटी है। क्या फरमाया? सिर्फ एक रोटी है। राबिया बसरिया फरमाती हैं इस एक रोटी को ले जाओ, अल्लाह की राह में सदका कर दो, अल्लाह की राह में सदका कर दो। खादिमा चेहरा देख रही, होना यह चाहिए था घर में मेहमान बैठे हैं, आपका हुक्म यह होता कि जाओ और इंतजाम करके लाओ, ये नहीं फरमाया, कहा कि जाओ इस रोटी को अल्लाह की राह में सदका कर दो। हजरत मोहतरम खादिमा गई अल्लाह की राह में सदका करके आ गई, मुसल्ले को बिछाया, हजरत राबिया बसरिया ने सर को सजदे में ले गई, दुआ मांगी। उसके बाद कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, पूछा गया कौन है? फला शख्स का गुलाम हूं, मेरे मालिक ने न्याज कराई है, आपके लिए तबर्रुक भेजा है, तवज्जो चाहता हूं आपकी, मैं तबर्रुक भेजा है। हजरत राबिया बसरिया फरमाती है गुलाम को अंदर बुलाया जाए। गुलाम अंदर आता है, बोला तश्त से कपड़े को हटाया जाए। जैसे तश्त के कपड़े को हटाया गया, खादिमा से पूछा इस रोटी की तादाद करो, गिनती करो कितनी रोटियां हैं। खादिमा गिनती करती है, फरमाया 5 रोटियां, फरमाया 5 रोटियां। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं ये हमारे यहाँ का तबर्रुक नहीं है, इसे वापस करो, वापस करो। खादिमा चेहरा देख रही, 5 रोटियां तो हैं, अभी वापस कर रही है, खैर हुक्म तो हुक्म है, वापस कर दिया गया। कुछ देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, पूछा गया कौन? फरमाया मैं फला शख्स का गुलाम हूँ, मेरे मालिक ने नियाज कराई, आपके लिए तबर्रुक भेजा है। तबर्रुक को अंदर लिया गया, तश्ते कपड़ा हटाया गया, रोटियों की गिनती की गई, पूछा गया कितनी रोटियां हैं? फरमाया 7 रोटियां हैं। कितनी? 7 रोटियां हैं। राबिया बसरिया फरमाती है ये हमारे यहाँ का तबर्रुक नहीं, इसे भी वापस कर दिया। खादिमा ने कहा अब तो ज्यादा हो गया था, अब तो कम से कम कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन हजरत राबिया बसरिया ने कबूल नहीं फरमाया, बोले ये दूसरे के यहाँ का, हमारे यहाँ गलती से आ गया है, वापस कर दिया गया। चंद लम्हों के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, पूछा गया कौन? मैं फला शख्स का गुलाम हूँ, मेरे मालिक ने नियाज कराई, आपने तबर्रुक भेजा है। तबर्रुक को अंदर लाया गया, तश्त से कपड़ा हटाया गया, पूछा गया कितनी रोटियां? फरमाया 10 रोटियां हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं ये हमारे यहाँ का तबर्रुक कैसे कबूल कर लिया जाए। खादिमा चेहरा देख रही है, मामला समझ में नहीं आ रहा, ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा। 5 रोटियां आई वापस कर दिया, 7 रोटियां आई वापस कर दिया, 10 ही को क्यों कबूल किया? हजरत राबिया बसरिया फरमाती है मुझे अल्लाह की जात पर इतना यकीन है, अल्लाह की जात पर इतना भरोसा है, अल्लाह की जात पर इतना यकीन है, कामिल है, अगर मैं अल्लाह की राह में 1 रोटी दूंगी, अल्लाह उसके बदले मुझे 10 रोटियां अता फरमाए। इस भरोसे के साथ मैंने उन रोटियों को वापस किया था। और हकीकत मखलूक छोटी हो या बड़ी, इंसान हो या जिन्नात या हैवान, कोई भी मखलूक हो, अल्लाह तबारक व तआला सबको रिज़्क़ अता करता है, सबको रिज़्क़ अता करता है। हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम एक जिलुल क़द्र नबी है, पैगंबर है, अल्लाह ने दुनिया की बादशाहत अता फरमाई है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते परवरदिगार मैं तेरी मखलूकात की दावत करना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि ए सुलेमान तू ऐसा नहीं कर सकता,
हजरत सुलेमान ने फरमाया, परवरदिगार तेरे करम से मेरे पास इंसानों की फौजें हैं, जिन्नातों की फौजें हैं, जानवरों की फौजें हैं। मुझे बरकत के लिए मैं चाहता, मुझे इजाजत दे दे, मैं सारी मखलूकात को दावत करना चाहता हूँ, सारी मखलूकात को खाना खिलाना चाहता हूँ। जब हजरत सुलेमान बजीद होते हैं तो अल्लाह ने इजाजत दिया। अब हजरत सुलेमान तमाम फौज के साथ, तमाम इंसानों की फौज, जिन्नातों की फौज, जानवरों की फौज, हर तरीके से लगी। समंदर के किनारे पर खाना बन रहा है, कई तरों में खाना तैयार हुआ। कई मुद्दत के बाद जब खाना तैयार होता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, परवरदिगार अपनी मखलूकात को भेज दे, खाना तैयार है। हजरत मोहतरम, तवज्जो चाहता हूँ, अब इतना कहना था, समंदर के किनारे जो खाना कई टनों की तादाद में भरा था, हजरत सुलेमान क्या देखते हैं कि समंदर से एक मछली निकलती है। समंदर से एक मछली निकली, एक ही झटके में पूरा खाना खाकर फिर समंदर में चली गई, एक ही झटके में। हजरत मोहतरम नकार, हजरत सुलेमान एकदम सोचते रह गए, हैरान और परेशान हो गए, परवरदिगार ये क्या है, मामला समझ में नहीं। अल्लाह की बारगाह में गुजार होते, परवरदिगार मैं नहीं समझ पाऊंगा तेरी हकीकत क्या, तेरा मामला क्या है, परवरदिगार करम फरमा, ये फलसफा, ये मामला क्या है। परवरदिगार ने फरमाया, उसी मछली से पूछ ली, उसी मछली। अल्लाह ने जानवरों की जबानें भी आपको पता फरमाई थी, आप हम कलाम होते थे, आपने आवाज लगाई, वो मछली बाहर आई, अर्ज करने लगी, हुजूर जितना खाना आपने मुझे खिलाया है, ये मेरा एक लुकमा है, ये मेरा एक लुकमा है। अल्लाह दिन में इसी तरीके से मुझे तीन लुकमे अता करता है। मालूम ये हुआ, मखलूक छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह सबको रिस्क अता करता है। शर्त है अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए। एक मेंढक है, एक छोटा मेंढक है, वो पानी में जाता है फिर बाहर आता है, पानी में जाता है फिर बाहर आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर, हजरत सुलेमान देखते हैं बार बार जा रहा है, आ रहा है। आपने पूछा, बात क्या है, तू बार बार अंदर बाहर क्यों कर रहा है? मेंढक ने कहा कि पानी के 100 फीट की गहराई पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर में एक सुराख है, उस सुराख में एक नाबीना कीड़ा है जिसको आंखों से कुछ नहीं दिखता है। अल्लाह ने मुझे ड्यूटी लगाई है, मैं बाहर से खाने की शय लेता हूं अपने मुंह में और उसके मुंह में जाकर पहुंचा दिया करता हूं। मखलूक छोटी हो या बड़ी, अल्लाह उन्हें कदा फरमाया करता है। शर्त है अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए। हजरत मोहतरम, अगर हम अल्लाह की जात पर भरोसा करेंगे, कसम खुदा की अल्लाह हमें रिस्क देगा। अल्लाह ने वादा लिया है, मैं मखलूक के पैदा होने से पहले उसके रिस्क का इंतजाम कर दिया करता हूं। इसलिए कि मखलूक, हजरत फरमाया, अल्लाह ने मखलूक की जरूरत को पूरा करना मेरा फर्ज है, मखलूक की जरूरत को पूरा करना मेरा फर्ज है, मखलूक की ख्वाहिशात को मैं नहीं पूरी करूंगा। इसलिए कि ख्वाहिशात न इंसान की कभी पूरी हुई है ना होगी, कभी किसी का काम नहीं रुकता है। आप गौर करके देखें, अल्लाह तबारक व तआला सभी को अता फरमा रहा है। शर्त है अल्लाह की जात पर भरोसा किया जाए। हजरत मोहतरम मकार, हजरत गरीब नवाज ने हमको यही दर्श दिया, हजरत मुख्तार औलिया ने भी हमको यही दर्श दिया। अगर हम लोग इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हम बुजुर्गान दीन के आशिक नहीं कहलाएंगे। हजरत मोहतरम मकार, और यही वो मुकद्दस जमाते हैं, मैंने जो वसीले के ताल्लुक से अर्ज किया था, वब तगु इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, ये वही मुकद्दस जमाते हैं, ये वही अजीम शख्सियतें हैं, ये अल्लाह तक पहुंची हुई है, अल्लाह से वाबस्ता है। अगर हम इनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो ये हमको भी अल्लाह तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वबतगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वा अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु वमा अलैना मिनल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।